एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी ना टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस प्यारी प्यारी सुबह के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो बस उठ तो मैं गई थी 5 बजे ही। उठने के बाद जो है कि अपना फ्रेशनअप वगैरह हुई, उसके बाद जो है बाहर का दरवाज़ा खोला और आ गई हूँ अभी ऊपर। तो ऊपर सीढ़ी का दरवाज़ा खोली और ये देखिए तो बाहर गली की अभी ना लाइट जल रही है। और बस अब चलिए चलते हैं नीचे और अपने दिन की शुरुआत कामों के साथ में, सुबह के जो काम होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। और क्या है ना कि हस्बैंड की ना ऑफिस की छुट्टी पड़ गई है दशहरे की, 1 वीक की। कह रहे थे बीच बीच में जाना पड़ सकता है, लेकिन वैसे उनकी छुट्टी पड़ गई है। और निखिल कह रहा था मम्मी मुझे खाना नहीं लेकर जाना है, उसके कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह है तो इसलिए नहीं लेकर जाना है, बस मेरी बेटी को जो है कि टिफिन लेकर जाना है। तो मैं कहीं खाना वाना बनाने में तो अभी काफ़ी टाइम है। सबसे पहले मैं कहूँ कि अपना पूरा घर की ना साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह उठो ना, मतलब जल्दी सुबह, तो वैसे मैं 5:30 बजे उठ जाती, दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा शांति रहती है हर तरफ, इतना अच्छा सा मतलब लगता है ना। और ठंडी ठंडी सी ना हवा चलती है तो बड़ा ज़्यादा ना अच्छा लगता है देख के। तो देखिए पूरा अंदर से बाहर तक डेली का मेरा रहता है, पूरा बाहर तक ना मैं बढ़िया से झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना कि जितना बाहर का एरिया होता है ना, जो ये सिल्ली है ना, स्लैब है, उसको छोड़ के बाहर का जितना एरिया है ना सारा मैं जो है कि धो देती हूँ। और उसके बाद जो है कि सारा पोछा लगा देती हूँ, जितना ये फर्श है ना पत्थर है तो उतना मैं पोछा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से झाड़ू लगा के मैंने कूड़ा उठा लिया है। और बस यहाँ पे देखिए तो अपना जो एरिया है अपने इधर का ना सारा जो है कि मैं धो दूंगी अच्छे से पानी गिरा के। और जब तक बाहर तक झाड़ू पोछा अच्छे से बाहर तक धो नहीं ना, तब तक लगता ही नहीं कि घर में झाड़ू वगैरह साफ सफाई का काम हुआ है। तो बस यहाँ पे देखिए बाहर अच्छे से मैंने पूरा अच्छे से धो दिया, उसके बाद जो है कि देखिए आ गई हूँ अंदर। और बस अब पूरा अंदर भी रूम का जो है ना सारा जो है कि मैं लगा लूँगी बढ़िया से पोछा। और अभी बेटा मेरा सो ही रहा है तो उसको मैंने जगाया नहीं, क्योंकि बच्चे काफ़ी रात तक जो है ना फ्रेंड्स, अभी इनकी पढ़ाई चलती रहती है ना, तो फिर इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ना लाइट बंद कर देती हूँ अंदर रूम का, फिर उसका जब टाइम होता है ना तब वो उठ जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा पोछा लगा लूँगी। और ऊपर का नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही ऊपर का भी रूमा मेरी बहन है ना, काफ़ी रात तक वो भी पढ़ती है, बेटी भी पढ़ाई करती है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ कि मेरी वजह से वो लोग परेशान हुए, क्योंकि वो अपने टाइम पर उठ ही जाते हैं। तो जो है कि इतना नीचे की साफ सफाई मैं पूरा डेली कर देती हूँ, फिर ऊपर की सफाई जो है ना मैं थोड़ा रुक के बाद में करती हूँ। पोछा वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो बस टीवी ऑन कर लिया है और नवरात्रे चल रहे हैं। तो सुबह सुबह मेरा डेली का रहता है ना कि एक अच्छे से मतलब ना ये पूरा भजन का जो सीरीज़ होता है ना गाने का, यही मैं लगा लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक ना त्यौहार वाला ना फीलिंग आता है, बहुत ही ज़्यादा ना मतलब अच्छा लगता है। तो ये मैं भजन ऑन कर लेती हूँ और फिर अपना काम जो है कि करती रहती हूँ। और बस देखिए तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, अपना बना लेती हूँ, बेटे के लिए लंच बॉक्स देना है ना, तो मैं कहीं उसको लेट ना हो जाए, मैं और जो है काम मैं बाद में भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आज मैं ना कहीं आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से आलू गोभी की सब्ज़ी जैसी होती है ना, थोड़ी सी लटपटी सी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और साथ में जो है कि बेटी के लिए और बेटा भी मेरा, ये दोनों लोग जाएँगे ना तो इन लोगों के लिए थोड़ी सी रोटियाँ बन जाएंगी। और बाकी जो है कि बाद में जो है कि जब हम लोगों को खाना होगा ना तो लंच में या बाद में देखेंगे तो बना लूँगी रोटी और चावल, जो भी खाना होगा तो बाद में बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्जी को अच्छे से दोनों आलू गोभी को बढ़िया से भून लिया था, उसके बाद निकाल के मसाले वगैरह टमाटर वगैरह बढ़िया से भून लिया है। बस सब्जी को मिक्स करके इसमें डाल दिया मैंने नमक और अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूंगी पानी और धीमी आंच पे इसको ना पकने दूंगी। उसके बाद जो है कि मैं थोड़ी से मतलब वही रोटियाँ वगैरह बना के उसके बाद जो है ना ऊपर चली जाऊँगी। बच्चे लोगों को भी मैंने जगा दिया तो ये लोग उठ गए, अब ये लोग तैयार होंगे उतने मैं जो है ना कि ऊपर भी जो है कि साफ सफाई का काम जो है ना सारा कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, तो खाना वाना बनाने के बाद जो है कि सारा मैंने ऊपर का साफ़ सफाई किया, साथ में किचन का जो भी साफ़ सफाई होती वो किया, बेटी का लंच बॉक्स पैक किया तो वो चली गई है स्कूल, और साथ में थोड़ी बर्तन वगैरह थे वो क्लीन किया। और बेटा मेरा अभी जो है कि नाश्ता करा तो वो भी थोड़ी देर में निकलेगा। और उसके बाद जो है ना मैं सारा साफ़ सफाई वफाई करने के बाद ना नहा ली हूँ और बस अब देखिए तो सुबह की जो मेरी पूजा है ना, तो बस चलिए पूजा कर लेते हैं।
पूजा हो गई है मेरी और उसके बाद देखिए तो बस मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अपने लिए, साथ में हस्बैंड को भी अगर पीना होगा तो पी लेंगे। वैसे वो ना सुबह ही चाय पी लिए थे, ब्लैक टी पिया था उन्होंने, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा के बना रही हूँ कि अगर उनको पीना होगा तो वो पी लेंगे। तो और यहाँ पर देखिए आज कुछ नाश्ते मन नहीं कर रहा था ना, तो बस ये मैं बिस्किट ला ली थी, मायरी गोल्ड आता है ना, तो आज एकदम से मन कर दिया मेरा कि चाय के साथ बिस्किट खाने का, तो बस ले लिया मैंने। मैं कि चलो आज नाश्ते में यही चाय और बिस्किट ही जो है ना कि खा लेते हैं, तो बस चलिए चाय पीते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो टाइम हो रहा है कुछ दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं हस्बैंड हम लोग आ गए अपनी मार्केट में, आए सनी बाज़ार साइड में। एक बहुत बड़ा सा जो है ना कि शॉप है, इस तरह से जो है ना कि सारी सामान इलेक्ट्रिक सामान सब ना मिल जाती हैं। तो हमें लेना था वॉशिंग मशीन और इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग ना जाने कितने महीने से सोच रहे थे लेने के लिए, लेना है लेना है। आप लोगों से मैंने बताया भी था कि मेरी वॉशिंग मशीन एकदम ख़राब हो गई है। तो क्या होता है गाइस, महंगाई इतनी ज़्यादा इस कदर बढ़ती जा रही है ना, घर का खर्चा चलाना ही इस समय ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके साथ साथ अगर हम घर के खर्चे के साथ साथ कुछ अलग से कुछ अपनी ज़रूरत की सामान लेना सोचे ना, तो सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से जो है ना कि इतने महीने से हम लोग टाल रहे थे कि इस महीने लेंगे इस महीने, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बन रहा था और मशीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तबीयत आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे ना। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन घर में रहते तो मेरे घर परिवार को सबको पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती हैं। तो कपड़े वगैरह धुलना मशीन में साफ़ ही नहीं हो रहा था, जो पुरानी वाली मशीन हमारी है तो साफ़ नहीं हो रहा था, और हाथ से मैं ब्रश वगैरह रगड़ ही नहीं सकती क्योंकि मेरा ना इतनी कलाइयों में दर्द वगैरह रहता है ना, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो जो नॉर्मल कपड़े होते थे वो तो मैं धो देती थी, बाकी हस्बैंड के शर्ट वगैरह ना नहीं साफ़ हो रहे थे। तो फिर कभी इनके छुट्टी रहती थी तो छुट्टी के दिन यही कपड़े धुल लेते थे अपने जितने हैं, बाकी जो वैसे ब्रश वगैरह लगाने वाले कपड़े तो धुल लेते थे। बट ये भी ऑफिस से आना, मतलब इंसान बाहर काम करे फिर घर में बहुत सारा मतलब हो जाता है ना, मेरी तबीयत इस तरह से है ना, तो ये घर में भी मेरी बहुत सारी हेल्प करा देते हैं, तो जिससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कपड़े वगैरह। और कपड़े एक ऐसी एक घर में चीज़ें होती हैं ना कि डेली का ही होता है, डेली ही कपड़े धुलने ही धुलने होते हैं। तो फिर फाइनली जो है कि हमने अपने में ही मतलब मैं हस्बैंड आज एकदम से ना डिसाइड किया कि मशीन ले लेते हैं, क्योंकि जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो बस एकदम से प्लान बनाया और बस यहाँ पर आ गए। हस्बैंड कह रहे थे कि चलो ले लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ना कि पता नहीं कब तक लेना होगा। और गाइस सही मैं बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था सेमी ऑटोमेटिक लेने के लिए, मेरा बहुत मन था कि इस बार मैं फुल्ली ऑटोमेटिक लूँगी, बट बैलेंस ही नहीं बना गाइस। सेमी ऑटोमेटिक जो मिलती ना उसका डबल रेट में फुल्ली ऑटोमेटिक मिल रही थी, तो जो है कि हस्बैंड फिर कह रहे हैं कि उतना बैलेंस हमारा है नहीं। फिर हम लोगों ने अपना डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, यही हम सेमी ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं, आगे भविष्य में देखेंगे, अगर हमारे पास बैलेंस उतना हुआ ना तो फिर हम जो है कि फुल्ली ऑटोमेटिक लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए आ गए हैं मशीन देखने के लिए। तो अलग अलग जो हमारी मशीन थी ना वॉशिंग मशीन, वो तो थी वर्लपूल की, जो कि काफ़ी साथ दिया, सही बताऊँ ना बहुत साथ दिया उस मशीन ने, लेकिन अब एकदम ख़राब हो गई। तो बस यहाँ पे देखने हम वर्लपूल की देखने आए थे बट वो थी नहीं, तो ये भैया जो है ना अलग अलग ब्रांड की दिखा रहे थे, काफ़ी जो पुराने ब्रांड है ना हम उसी में से लेंगे, तो वही हम देख रहे हैं उसका सब कुछ जो है ना बता रहे हैं, फीचर्स वगैरह क्या है, वारंटी वगैरह क्या है, तो वही सब जो है कि ये बताए हैं। और फाइनली जो है कि हमने एक प्यारी सी मशीन जो है वॉशिंग मशीन जो है कि एक हमने ले लिया है। बस हस्बैंड नीचे गए हैं बिलिंग वगैरह कराने के लिए, मैं कहीं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से दिखा देती हूँ, थोड़ा फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ, अच्छा लगता है ना है? और बस यहाँ पे देखिए घर पे आ गए हैं, उसके कुछ एक आध घंटे बाद जो है कि ये भैया जो मशीन लिया था हमने ना वो डिलीवर कर दिया है उन्होंने, तो बस ऊपर चढ़ा रहे हैं। और ये देखिए तो ये मेरी पुरानी वाली मशीन जा रही है, और सच में ये जा रही थी ना एक पल के लिए, मुझे पता नहीं अजीब सा ही मतलब ना मन में दुख हो रहा था, क्योंकि बहुत हेल्प करती, घर में कोई चीज़ें रहती हैं ना जितनी पुरानी होती ना उतना ही हमें लगाव हो जाता है उनसे ना, तो यही चीज़ें होती हैं। तो बस पुरानी वाली वॉशिंग मशीन को करते हैं बाय बाय, और ये देखिए तो नई वाली वॉशिंग मशीन मेरी आके यहाँ पे रख गई हैं, और बस कहें कि चलो अब चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे फीचर्स वैसे ही हैं जो पुरानी वाली मशीन थी ना हमारी, वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ी सी ये ना अलग है, अभी नई आई है ना, तो काफ़ी इसका ग्लास वगैरह ना बड़ा ही ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था मुझे देख के, और कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा था, और बाकी सारे फीचर्स तो वैसे ही हैं। तो बस ये है हमारी जी,
नई वॉशिंग मशीन जो कि बहुत मेहनत मुशक्कत पति पत्नी दोनों लोगों ने बड़ा ही सोच समझ के पाई पाई होता है ना जो कि बचा के मतलब सोच समझ के जो है कि हमने बड़ा ही डिसाइड करके जो है कि फाइनली ना अपनी वॉशिंग मशीन हमने ले लिया है। तो बस इसमें जो है कि देखिए मारे खुशी के हस्बैंड ने कपड़े भी डाल दिए कि चलो धो के चेक करते हैं कि साफ़ कर रहा है कि नहीं, कपड़े कैसे धुल रहे हैं कैसे नहीं। तो ये देखिए मशीन में हालांकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे लेकिन वो फिर भी लगा दिए, कह रहे हैं कि चलो चेक करते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो और यहाँ पे देखे तो मुझे बता रहे हैं कि मुझे पता है सब कुछ वैसे ही है लेकिन हाँ इस पर कवर दिया हुआ है, ऊपर से देखिए तो दिख भी रहा है मशीन धुलते हुए भी। और ये जो सारे लगे हैं ना जो बटन होते हैं ना उसके ऊपर भी आप यूज करके फिर उसको ब्लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, प्यारी सी लग रही थी ये मशीन। और हमने किस ब्रांड का लिया तो ये है वीडियोकॉन की हमने लिया है। तो बस यहाँ पे देखिए कितने प्यार से अपना कपड़े धुल रही है। अब नई नई है तो अच्छा ही धुलेगी ना, ये तो जब पुरानी होने लगती ना तब थोड़ा फ़र्क पड़ने लगता है। मेरे धुल गए हैं थोड़ी से बेडशीट वगैरह भी थे, कपड़े ज़्यादा थे नहीं तो बेडशीट भी मैंने नीचे के निकाल के ला दिया लगा दिया तो वो भी धुल रहे हैं। एक बार के और जो है कि धुल जाएंगे तो वो भी खंगाल जाएंगे। बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं, उससे पहले मैं क्यों ना थोड़ा सा ये फर्श ना धो देती हूँ। वैसे सुबह तो मैंने सफाई करा था, डेली करती हूँ ऊपर नीचे पूरा ही साफ सफाई, लेकिन क्या है ना मैंने थोड़ा ये पौधों में ना ये जो रहते ना पत्तियाँ वगैरह थी तो मैंने उनको साफ किया, थोड़ी मिट्टी गिर गई थी तो मैं कि चलो इनको ना अब पानी डाल के साफ कर देती हूँ, नहीं तो ये मिट्टी ना पैर में लगती ना तो फिर पूरे रूम में जाओ ना तो फिर वो पूरा रूम जो है ना कि मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है नीचे ऊपर। तो इसीलिए मैं कहूँ कि थोड़ा सा पानी डाल के इनको ना अच्छे से धो देती हूँ, छत भी साफ हो जाती है, उसके बाद जो है कि सारे कपड़े मैं अपने डाल दूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अपने कपड़े डालें और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज इतने दिनों बाद नई मशीन में कपड़े धुल के मतलब अच्छा लग रहा था, एकदम से कपड़े साफ हो गए अच्छा लग रहा था। तो बस चलिए कपड़े धुल गए हैं, थोड़ी सी और हैं तो वो भी खंगाल के धो के सुखाऊंगी और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।